हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं आप सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, हम आज डालने वाले हैं अपने मास्टर केज में नेस्टिंग मटेरियल, क्योंकि ऐसा हमारे बहुत सारे ब्रीडिंग पर आ गए हैं। देखिए आप, ये वाली मटकी में भी कितना ज़्यादा ये लोग ने नेस्टिंग मटेरियल कलेक्ट कर लिया है। देखिए, 1-2-3 डेज में शायद इसके अंदर भी एक्स आ जाएंगे। तो चलिए, मैं नेस्टिंग मटेरियल को यहाँ पर नीचे ही डाल दूंगा। थोड़ा ये अपने हिसाब से ले जाके कलेक्ट करके बना लेंगे दोस्तों अपना नेस्ट। यहाँ पर भी थोड़ा डाल देता हूँ मैं, थोड़ा इसे भी खोल देंगे हम, ताकि हमारे बर्ड्स को कोई परेशानी ना हो नेस्टिंग मटेरियल कलेक्ट करने करने में। आप देखेंगे कुछ ही देर में, जावा ने अब देख लिया है मैंने नेस्टिंग मटेरियल डाला, अब ये आएंगे आके अपने केज में लेके आके अपने सॉरी पॉट में लेके जाके जमा करेंगे। तो दोस्तों, बाहर जो वो वाले लबर्ड्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रख लिया हूँ मैं, यहाँ वाले लबर्ड के भी रख लिया हूँ। चलिए, उनको भी नेस्टिंग मटेरियल उनके डायरेक्ट ब्रीडिंग बॉक्स में ही दे देते हैं हम। दोस्तों, मैं लबर्ड के लिए देखिए थोड़ा सा लकड़ी का पाउडर भी लाया हूँ बारीक बारीक करा हुआ। ये भी इनके इनके ब्रीडिंग बॉक्स में थोड़ा हटा के डाल दूंगा मैं एक्स को, फिर इसके ऊपर एक्स रखेंगे तो इंशाल्लाह एक्स फर्टाइल आएंगे। मुझे कोई कमेंट भी किए थे कि इनके अंदर ब्रीडिंग नेस्टिंग मटेरियल ज़्यादा दो, इसी वजह से अनफर्टाइल एक्स आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम डाल के देखते हैं कितने ज़्यादा एक्स है। देखिए माशाल्लाह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्स हो गए दोस्तों आज। पहले हम ये एक्स को बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल के थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल इसके अंदर डाल देंगे हम। ये थोड़ी घास भी डाल देंगे दोस्तों इसके अंदर सूखी हुई। इसमें नेस्टिंग मटेरियल तो काफ़ी कलेक्ट कर लिया है इन्होंने, फिर भी मैं थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ क्योंकि अनफर्टाइल एक्सारे ये वाले लबर्ड के। देखिए यहाँ पे अंदर बैठे हुए लबर्ड्स, इनके अनफर्टाइल एक्सारे, इसी वजह से मैं एक्स निकाल लेके। चलिए अब बारी है, इनको भूसा डाल देंगे अंदर लकड़ी का। अच्छी तरीके से एक बेडिंग बना दूंगा दोस्तों मैं, ताकि इनके एक्स जो है फर्टाइल हो जाए। तो दोस्तों, मैं अच्छी तरीके से देखिए अंदर एक बेड के ऐसा बना दिया हूँ लकड़ी के भूसे से। चलिए अब एक्स को वापस रख देंगे हम, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुकार रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्स है दोस्तों। चलिए वापस इनके ब्रीडिंग बॉक्स में रख देंगे हम। तो सारे एक्स को डाल दिया हम, 2 एक्स बाकी है इनको भी डाल देंगे। अब हम इनकी कल कैंडलिंग करेंगे 1-2-3 डेज के बाद, क्योंकि अभी दिया हूँ मैं ये भूसा। इंशाल्लाह इसकी भी गर्मी से ये फर्टाइल एक्स हो जाएंगे, यानी चिक्स निकल जाएंगे, और हमारे बर्ड्स तो इसे अच्छी तरीके से इंक्यूबेट कर ही रहे हैं लव बर्ड्स। चलिए ये लगा दूंगा मैं। अब बारी है दोस्तों ये वाले लव बर्ड को भी थोड़ी सी बेडिंग दे देंगे हम, क्योंकि ये भी बहुत जल्द एक्स देने वाले है। चलिए अब ये भूसे की बेडिंग डाल देते हैं हम ब्रीडिंग बॉक्स में। दोस्तों एक बार ये वाला ब्रीडिंग बॉक्स हम पहले खोल के देख लेंगे कि इसके अंदर एक्स आए हैं या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो हम नेस्टिंग मटेरियल इन्हें दे देंगे। नहीं, देखिए अभी एक्स नहीं आए हैं। चलिए इन लोगों को जो है ये वाला लकड़ी का भूसा डाल दूंगा मैं। दोस्तों मैं ब्रीडिंग बॉक्स निकाल लिया हूँ, क्योंकि वहाँ पर डालने नहीं आ रहा था मुझे। चलिए इसके अंदर भी एक अच्छी तरीके की बेडिंग बना देंगे मैं लकड़ी के भूसे की। मैं भी पहले ही भी बनाना सोचा था दोस्तों, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला और मैं नहीं बना पाया ये बेडिंग। लेकिन अब इंशाल्लाह हम जो भी हमारे बर्ड्स ब्रीड करेंगे मास्टर केज में, हम इनका अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब ब्रीडिंग बॉक्स को वापस इसकी जगह पर लगा देंगे हम। तो दोस्तों वापस ब्रीडिंग बॉक्स को लगा दिया हूँ अच्छी तरीके से, इसके अंदर ब्रीडिंग मटेरियल डाल के, ब्रीडिंग मटेरियल नहीं बल्कि एक लकड़ी का थोड़ा सा बुरा डाला हूँ, ताकि एक्स इनके इधर उधर ना हो और एक जगह रहे और ये अच्छी तरीके से इंक्यूबेट कर सके। तो दोस्तों चलिए ये वाले लबर्ड को हम थोड़ा सा ये भी दे देते हैं, थोड़ी सी सूखी हुई घास भी दे देता हूँ, ताकि अपने हिसाब से भी थोड़ा लेके जाके नेस्ट बना ले। थोड़ा ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, इतना काफ़ी रहेगा। तो ये अपने हिसाब से भी बना लेंगे, तो वहाँ से लेके जाके ब्रीडिंग बॉक्स में नेस्टिंग मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बर्ड्स अपने हिसाब से भी नेस्ट बनाना पसंद करते हैं। हम अगर वो डाले हैं जो डाले हैं, इनको अगर वो पसंद नहीं आएगा तो ये लेके जाके इनके हिसाब से ये भी नेस्टिंग मटेरियल कलेक्ट करके नेस्ट बना लेंगे अपना। वो बस मैं इसीलिए डाला हूँ ताकि हमारे एग जो है फर्टाइल आए। अगर ये एग्स ले करते हैं ब्रीडिंग बॉक्स में, इधर से उधर होते रहते हैं एग्स, हम कभी पानी चेंज करने के लिए एक केज ला देते हैं, इधर उधर हो जाते हैं एग्स, फिर एग्स इधर उधर होने की वजह से अनफर्टाइल भी एग्स निकल जाते हैं। इसी वजह से मैं वो दे दिया हूँ ताकि एक जगह रह सके एक। चलिए थोड़ी सी घास भी डाल दिया हूँ, इनके हिसाब से एक कलेक्ट कर लेंगे। तो सुबह की डाइट हमारे सारे बर्ड्स को मिल चुकी है, देखिए चिकन चिक्स भी खा रहे हैं, इनको भी डाइट दे दिया हूँ। लव बर्ड का आज ब्रीडिंग मटेरियल भी मैं डाल दिया हूँ अच्छी तरीके से। लव बर्ड ने दोस्तों हम इन्हें यहाँ पर चेंज किया था, देखिए ये जो है एक्सेप्ट कर लिया ब्रीडिंग बॉक्स को, ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जाके बैठ रहे हैं। तो यहाँ तक थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लाइफ विद पेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।